देश के शीर्ष पहलवान बजरंग पुनिया को एशियन गेम 2023 से खाली हाथ लौटना पड़ा। बजरंग को ब्रांज मेडल मुकाबले में जापान के पहलवान ने बुरी तरह हराकर उनके मेडल जीतने के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। रेसलिंग दल ने एशियन गेम्स में काफ़ी निराश किया है। 2018 जकार्ता एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले बजरंग चीन के हांगझोउ में लय में नहीं दिखे। उसने फ्री स्टाइल 68 किलोग्राम वर्ग में काफ़ी उम्मीदें थी। बजरंग की असफलता पर भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह ने रिएक्ट किया है। बजरंग पुनिया को एशियन गेम में डायरेक्ट एंट्री मिली थी, उन्हें ट्रेनिंग के लिए विदेश भी भेजा गया था। हालांकि इस साल उनका ज़्यादातर समय धरना प्रदर्शन में बिता। ब्रिजभूषण सिंह ने कहा कि बजरंग पुनिया के बारे में देश का बच्चा बच्चा बोल रहा है, मीडिया भी बोल रही है, जब पूरी दुनिया उनके बारे में बोल रही है तो फिर मैं क्या बोलूं? लेकिन 67 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड आना चाहिए था। बजरंग को सेमीफाइनल में ईरानी पहलवान से हार मिली थी, उन्हें अमजद खलीदी रहमान ने हराया है। बजरंग जिसके लिए जाने जाते हैं उनमें से आज मिसिंग था। WFI के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि किसी भी प्रतियोगिता में आपको ट्रायल के लिए जाना चाहिए, ना किसी की दया पर। मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे बाद जो भी कोई फेडरेशन में आए वो खिलाड़ियों को ट्रायल के बाद ही किसी भी टूर्नामेंट में भेजे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।